जोगिया ब्लॉक के बीडीओ की कुर्सी को लेकर गर्मा गर्म का माहौल। सिद्धार्थनगर के जोगिया ब्लॉक के प्रधान बीडीसी ब्लॉक प्रमुख व किसान यूनियन बीडीओ को बदलने को लेकर किया ब्लॉक का तालाबंदी। आनन फानन में एक ही माह में 3 बार बीडीओ को स्थानांतरित किया गया। लोगों का कहना है कि इसके पूर्व जो बीडीओ प्रशासन होगा यह तालाबंदी ग्राम प्रधान ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद कर पाठक के नेतृत्व में किया गया और ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम सदर को सौंपा गया। जोगिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कौशलेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि क्योंकि 9 तारीख में कल बहुत बड़ी लगन है, आज इसलिए कार्यक्रम 8 तारीख में लगाया गया। मैं जब यहाँ आया पता चला रातों रात वीडियो साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ एक दिन में वीडियो आते हैं और एक दिन में वीडियो रात भर में गायब हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जिला प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है, हमने कहा कि अगर वो वीडियो साहब विवादित हैं, दो दो तीन दिन ब्लॉक के लोग उनको नहीं वो कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको हटा दीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि धारा 144 का बना हमको उल्लंघन बताया जा रहा है। प्रमुख जी, क्या मामला है जो आपके ब्लॉक पे ताले लगे हुए हैं और आप लोग एक साथ जिला पंचायत सदस्य और प्रधान सब लंबवत होकर के धरने बैठे हुए हैं? देखिए, आज से करीब 20 फरवरी को संगठन की बैठक हुई थी, जिसमें यह हमसे पूछा गया था कि क्या आप यहाँ खंड विकास अधिकारी अजय अहमद हैं, इनको हटाना है। मैंने स्पष्ट कहा था कि हमारे खंड विकास अधिकारी को अधिकारी से न किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य को कोई शिकायत है, न किसी प्रधान। आप प्रधान जी, क्या मामला है जो ब्लॉक पे ताले लगे हुए और आप एक साथ धरने पे बैठे हुए? प्रधान जी से पूछा तो एक मिनट प्रभु जी बताइए कि आपके ब्लॉक पे ताले लगे हुए हैं और प्रधान और बीडीसी दोनों ही लामबंद होकर धरने बैठे हुए हैं, मामला क्या है? हमारे जो निर्वाचित निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, चाहे प्रधान हो और चाहे इस विकांड खंड का प्रमुख, उसको बिना किसी तरीके से संज्ञान में लिए हमारे खंड विकास अधिकारी का अकारण ट्रांसफर कर दिया गया, जिस जबकि किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य किसी प्रधान या किसी प्रमुख की स्वयं की उनसे का ना कोई नाराजगी थी ना जनता की कोई शिकायत थी। ऐसी स्थिति में 25 तारीख को इनका स्थानांतरण कर दिया गया, जिसके लिए हम तभी से प्रयासरत थे कि इनका स्थानांतरण कैंसिल हो जाए और ये यहाँ एजाज अहमद रहें। तो क्या आपकी मांगें पूरी हो गई? हाँ, मांगें पूरी हुई। 6 तारीख को खंड विकास अधिकारी जोगिया जो पूर्व में थे एजाज अहमद को मैंने जोगिया खसरा से भेज दिया गया, वो आकर के ज्वाइन किए, लेकिन उसी के 4-5 घंटे बाद पुनः इनको खसरा भेज दिया गया। जो निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका अपमान है, ये अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकार में हमारे जनप्रतिनिधियों का जो निचले स्तर पर पार्टी के लिए जी जान देते हैं, सांसद विधायक के लिए जी जान देते हैं, वो ऐसा करने में असमर्थ है कि इनका सम्मान रहे। जो वर्तमान में जो आए थे वीडियो साहब, क्या उनकी कार्यशैली से आप लोग उनकी कार्यशैली से पूरा जिला असंतुष्ट है। पिछले महीने जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी रेस्ट हाउस में आए थे, तो वहाँ के प्रमुख माननीय राघवेंद्र पांडे जी ने इनके खिलाफ शिकायत की थी, तब ये हुआ था कि इनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद में अभी जब पिछली बार प्रभारी मंत्री यहाँ आए थे, तब उनसे शिकायत हुई, ये हुआ कि इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि जो विवादित हो, जो भ्रष्ट हो, जो जिसकी कार्यप्रणाली गलत हो, जिससे जिसको पूरा जिला जानता हो, हमारे प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको एजाज नहीं चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एजाज रहें, लेकिन हमको भगवान सिंह भी नहीं चाहिए, हम इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। यानी तीसरे आप अधिकारी की मांग कर रहे हैं? देखिए, कुर्सी तो कोई खाली रहती नहीं है, कोई ना कोई आएगा। अगर हमको भगवान सिंह चौहान मंजूर नहीं है तो कोई आ करके बैठे, कोई भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जिनके कार्यप्रणाली से, जिनके भ्रष्टाचार से, जिनके प्रताड़ना से खसरा पूरा विकास खंड त्रस्त था, हम उनको यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने के लिए। सर, ये जो जोगिया ब्लॉक के जो प्रधान वीडियो को हटाने के लिए जो मांग कर रहे हैं, सर क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या कारण है इसका? हम क्यों कर रहे हैं तो यही बताएंगे ना। ये है कि पुराने वीडियो के ट्रांसफर को लेके ये लोग कर रहे हैं कि वो वीडियो हमें नहीं चाहिए,
के जो वीडियो यहाँ पे आए उनके कार्यशैली को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं पसंद है उनकी कार्यशैली, कार्य करने का तरीका, इसी को लेकर कर रहे हैं कि हमारे पास सर इसमें आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूँगा इसमें, ट्रांसफर पोस्टिंग मेरा कोई काम हो रहा है नहीं, कुछ तैयारी करेंगे, मैं इनकी समस्याओं से अवगत करा दूँगा। धन्यवाद।